नमस्कार साथियों, हम अकाउंटेबिलिटी इनिशिएटिव सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च एक शोध समूह है जो सरकार में पारदर्शिता और जवाबदेही को मजबूत करने का कार्य करता है। समूह का उद्देश्य नीति में नागरिकों की भागीदारी सुनिश्चित करना है। आज हम पंचायती राज दिवस की महत्ता के बारे में जानेंगे। हमारे साथ हैं फॉर्मर IAS मिस्टर TR रघुनंदन जी, जो कि भारतीय प्रशासनिक सेवा में पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार के संयुक्त सचिव के पद पर कार्यरत रह चुके हैं। वर्तमान में हमारे एडवाइजर हैं और कई अन्य संस्थाओं और सरकार के साथ भी कई प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं। नमस्ते, पंचायत राज दिवस के आचरण पर मेरी शुभकामनाएं। पंचायत राज दिवस को हम 24 अप्रैल को मनाते हैं। ये दिन श्री बलवंत राय मेहता जी के जन्मदिन है। वो गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री थे। हमारे देश के पहले जो दशक है, 1950 के जो दशक है, उस दशक में हमारे प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू का जो मुख्य जो उद्देश्य जो प्रायोरिटी था वो ये था कि ग्रामीण विकास पर ज़्यादा वो एम्फेसिस दे रहे थे और उन्होंने कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी सामाजिक विकास प्रोग्राम को उन्होंने शुरू की थी और उसमें डॉक्टर SK देव को मंत्री बना के काफ़ी ग्रामीण विकास पर काम ज़्यादा हो रहा था उस ज़माने में। तो तब उनको ये महसूस हो गया कि ग्रामीण स्तर पर हमें लोकल सरकार की ज़रूरत है ताकि ग्रामीण विकास का जो काम है वो लोगों के जो तालमेल से वो काम ज़मीनी तौर पर हो जाए। तो इसलिए उन्होंने बलवंत राय मेहता कमेटी की रचना की और इस कमेटी ने ये रिकमेंडेशन दे दिया कि हमारे देश में 3 स्तर पर पंचायत होनी चाहिए। ये तो जिला स्तर पर होना चाहिए और फिर ब्लॉक स्तर पर होना चाहिए और फिर ग्रामीण स्तर पर होना चाहिए। इसको संविधान में लगाने के लिए 34 साल लग गया था। तो ये 34 साल के बाद ये 73वां और 74वां जो अमेंडमेंट्स हैं उससे वो संविधान में भी ये इंसर्ट हो गया था और आज के दिन में संवैधानिक तौर पर हमें ये 3 स्तर पर पंचायत राज सिस्टम की ज़रूरत है। और अभी तो करीब तकरीबन 30 साल हुआ है संविधान में जो बदलाव होने के बाद और हमारे देश में करीब 24 लाख पंचायत सदस्य को हम हर 5 साल हम चुनते हैं इन स्थानों पर। मगर आज भी बहुत कुछ बाकी है पंचायत राज को एक अच्छा एक व्यवस्थित स्थान देने पर। पंचायत राज संस्थाओं को हम अधिकार देना चाहिए, अधिकारीगण देना चाहिए और अर्थव्यवस्था का भी एक अच्छा संतुलन होना चाहिए। हमें ज़्यादा पैसा देना चाहिए पंचायतों को ताकि वो अपने जो जिम्मेदारियों को वो ठीक से वो करें। उसमें काफ़ी अड़चन है और बहुत कुछ है जो बाकी है जो हर राज्य में करने के लिए बाकी है। एक तरफ से ये कोरोना से काफ़ी हमारा नुकसान हुआ है मगर पिछले एक साल में एक चीज़ में कहना पड़ेगा कि ये जो है पंचायत राज व्यवस्था से ही कोरोना के लिए काफ़ी ऑर्गेनाइजेशन ज़मीनी तौर पर हुआ है और लोगों के हित में बहुत कुछ काम पंचायतों के स्तर पर हुआ है क्योंकि अधिकारीगण वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाते हैं। इसलिए पंचायत सदस्यों से ही ज़्यादातर कोरोना के विरुद्ध जितने भी कम्युनिटी मोबिलाइजेशन की ज़रूरत है वो सब उसी स्तर पर हो रहा है और म्यूनसिपैलिटी में वार्ड के स्तर पर हो रहा है। इसलिए सब लोगों को मेरी शुभकामनाएँ। जो जो लोग जो पंचायत राज व्यवस्था में काम कर रहे हैं आप सबको मेरा बेस्ट ऑफ लक मैं कहना चाहूँगा और आगे जाके हम पंचायत राज व्यवस्था को स्ट्रेंथन करने की कोशिश हम कर सकते हैं। धन्यवाद साथियों। इस वीडियो से जुड़े आपके जो भी सवाल हो हमें जरूर बताइए। हमें आपके सवालों का जवाब देने में प्रसन्नता होगी। यदि आपके पास सुझाव है या आप किसी महत्वपूर्ण विषय पर सूचना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट www.hamarisarkar.in पर हमें जरूर लिखें। आपके कीमती सुझावों का हमें इंतज़ार रहेगा। धन्यवाद।